आइए आइए डॉक्टर साहब, तशरीफ रखिए। जी जी शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब। भाई हम तो कब से मुंतजर थे कि डॉक्टर साहब आए और हमारी चाय तस्लीम हो। भाई वाह डॉक्टर साहब, इस जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सुबह आपके यहाँ से चाय शुरू होती है तो हमारा दिन बड़ा ही खुशगवार गुजरता है डॉक्टर साहब। कमाल की बात कह दिया आपने डॉक्टर साहब, तो फिर लगे हाथ कचौड़ियाँ भी मंगवा ही लीजिए। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल डॉक्टर साहब तकिया कलाम है अलीगढ़ के तहजीब याफ्ता लोगों का। खास तौर से अकादमी दुनिया में ये तकिया कलाम यूं ही आम है, गोया जबान का ऐसा लिबास हो जिसे ओढ़े बगैर घर से निकलना मुमकिन ही ना हो। गर्मा गर्म जलेबी कचौड़ी से दिन की शुरुआत करने वाला ये शहर अपने मिजाज में बड़ी ही खूबसूरत रवानी लिए हुए है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खां के जिक्र के बिना तो इस शहर का वजूद ही अधूरा सा लगता है। AMU की शक्ल में एक अजीमुशान इल्मी विरसे को संभाले हुए देश की राजधानी दिल्ली से महज 130 किलोमीटर दूर बसे इस शहर में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक रहस्य मौजूद हैं। अपने तालों के लिए मशहूर इस शहर की तारीखी विरासत बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि महाभारत से लेकर वाल्मीकि रामायण तक में इसका जिक्र मिलता है। 18वीं सदी से पहले इसे कोल के नाम से जाना जाता था। तवारीख दानों की माने यानी इतिहासकारों की माने तो ये शहर ब्रज मंडल के कोर पर बसा हुआ है और यही कोर आगे चलकर कोल के नाम से मशहूर हो गया। अपने कई नामों का सफर तय करते हुए 1775 में ये शहर अलीगढ़ के नाम से मुकम्मल हुआ। गौरतलब है कि मुगल फौज के सिपहसालार रहे मिर्जा नजफ खान ने इसे अलीगढ़ का नाम दिया था। बेशुमार किताबों की रौनकें समेटे एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मौलाना आजाद लाइब्रेरी हो या अपने अंदर चांद और सूरज का अक्स उतारता झिलमिलाता सीखा झील हो, साबित खान का बनवाया जामा मस्जिद हो या फिर कई तवारीखी जंगों का गवाह अलीगढ़ का किला हो, AMU के कैंपस में बना सर सैयद हाउस हो या फिर शहर के खूबसूरत मंदिरों में से एक खेरेश्वर मंदिर हो, इन सब से मिलकर ही आज का अलीगढ़ बनता है। ये ऐसी जगह है जहां जाकर दिल में लुत्फ का एक गुबार सा उठता है और फिर जबान को लज्जत नशीं करने के बाद ही ये गुबार शांत होता है। दरअसल कचौड़ी गुलाटी गजक जलेबी के साथ ही जायकी की एक लजीज दुनिया है अलीगढ़ में, वो विदेशी सैलानियों को तो अपनी ओर खींचती ही है, देश के लोगों को भी बड़े सलीके से मुतमईन करती है। तो डॉक्टर साहब आप आ रहे हैं ना ताला नगरी अलीगढ़ में? जलेबी और कचौड़ी के साथ ही बेतकल्लुफ होकर चाय तस्लीम करने के लिए।